चलो इसी बात पे 5 रुपए दी जाए, दीदी को 5 रुपए दे दो। अरे शर्माता कितना कैमरे से गधे, तो गधे बताऊं, गधे मुझे गधे बोल रहा। गर्मियों में सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो नहाने में आता है। गर्मियों में हम जैसे ही नहाने के लिए बैठते हैं ऐसा लगता है जैसे कितनी जल्दी हम लोग जो है पानी डाल ले, और पानी डालने के बाद ऐसा लगता है कि बस पानी डाले जाए नहाए जाए नहाए जाए, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। बस मैं ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, इससे वेस्ट ना करना। बाकी मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, हाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो अभी नहा के आया हूँ, एंड अभी जो हमें जैकी को भी नहवाना है क्योंकि जैकी ने भी शायद से परसों आया था। हम इसे एक दिन गैप करके रोज नहवाते तो क्या है, इसको जो है ड्राई बाथ देते हैं जो कि स्प्रे से ऐसे ऐसे करके, बस पानी वानी का यूज नहीं करते क्योंकि अभी मना किया गया है इसे। चलो भाई जैकी स्टार्ट हो जा भाई नहाना। अबे इसको भी तो मम्मी गर्मी लगती होगी, पानी का यूज कर सकते हैं, ये भी तो ठंडा ही है वैसे, ये देखो ये देखो कितने आराम से नहा रहा है। क्या कर रहे हो भाई, हाथ मिला रहे हो, हाथ मिलाओ। फाइनली भाई जैकी ने नहा लिया है ना, जैकी नहा लिया ना, वो लुढ़क गया, ये तो नशे में है। अरे नहाया या फिर दारू पी के आया है, बहुत पिटा लगाएंगे, बैठ इसे। ओए कंघा करवा ले सही से। अरे 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 ओए ओ लदीदी के पीछे मत गया। ओ भाई दीदी के पीछे पड़ गया लो। पूरा पैर काट लिया है मेरे। दीदी से दुश्मनी है इसकी, फिर से काटेगा। ये लो। ओ भाई मैं माइक्रोनी बनाई थी। तुमने बनाई माइक्रोनी, फिर तो गंदी होगी भाई, मैं खाऊंगा ही नहीं। मम्मी ने बनाई होती तो मैं खाता भी। मैं भी खाई हूँ, अच्छा बनाई है आज। अच्छा है, मम्मी खा भी ली, मैं भी खा ली। चलो जब इतना कह रहे हो तो एक बार टेस्ट ही कर लिया जाए, वैसे देखने में तो सही लग रहा है। हमेशा माइक्रोनी मैगी सब मैं बनाती हूँ, मम्मी नहीं बनाती। अच्छा बनाती है ज्यादा। आप नहीं बनाती ना, जब से मेरे साथ स्कैम हो रहा था कि आप बनाती हो। जैकी लटक उसका पैर में। टेस्ट तो सही लग रहा है इसका भाई, माइक्रोनी मस्त है। ये नहीं बोल सकता मैं, हिसाब से ही बनाई हूँ, नमक वमक सब कम है इसमें। चलो इसी बात पे 5 रुपए दी जाए, दीदी को 5 रुपए दे दो। सो यहाँ पे दीदी को देखो, ओए क्या कर रही है, फिल्म सिटी देख रही है मुंबई। सो मैं इसे बहुत देर से देख रहा हूँ, ये जो है यूट्यूब पे देखे जा रही है नोएडा में बेस्ट प्लेसेस कौन से है, नोएडा का फिल्म सिटी कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वो है भाई। फिल्म सिटी मुंबई का है, इसको यही देखने होता है फोन में सीरियल, वरना फिल्म सिटी यही। और एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो। बुक जाऊंगी फिल्म सिटी मुंबई, वो सब छोड़ो घूमने तो जाते रहेंगे, बुक क्यों रखी पड़ी है जब फिल्म सिटी देखा जा रहा है फोन में। तो अभी पढ़ रही थी, थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी। तो गाइस देख रहे हो ऐसे करके भाई साहब पागल बनाया जा रहा है पेरेंट्स का, मम्मी का। क्या हुआ, आपकी पुत्री पता है क्या कर रही है, बुक रख रखा है और फोन में जो है सीरियल देख रही है, उसके अलावा मुंबई के फिल्म सिटी देख रही है। हाँ, ये काम कर रही है। और आप सोच रहे हो कि पढ़ रही है ये। कुछ काम करने का है तो बोलेगी कि हम पढ़ रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो क्या कर रही है। और इसको एक मिनट, ओए तुझसे मैंने कहा था, इधर आ। तुझसे मैंने कहा था ना कल, काउंटिंग 1 से लेके 100 तक सुना नहीं सुनाएगा जैकी भाई। यो कल शाम को मैंने इसे ब्लॉग में कवर नहीं किया था, मैंने इससे जो है काउंटिंग सुनी थी, काउंटिंग ये सुना नहीं पाया था पूरा का पूरा, तो मैंने इसे टाइम दिया था कि कल सुना दियो, तो मैं जैकी से तुझे नहीं कटवाऊंगा। याद कर, याद करने की कोशिश की है तूने? 1 2 3 हाँ, 4 हाँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 18 19 20 21 22 बस आ गया स्वाद, आ गया मजा। ओए कब सुनाएगा? और भाई आ गया मजा, अब सुनाएगा? मैं तो ऐसे ऐसे उसको कराता नीचे। मास्क कहाँ है मेरा? कुछ सीन ऐसा हो गया है कि भाई साहब घर के काम डेली के डेली मुझे ही करने पड़ रहे हैं। आज भी मम्मी कह रही है कि जा मार्केट से कुछ लिस्ट बना के इन्होंने दिया है। लिस्ट कहाँ है? लिस्ट में इतनी सारी चीजें लिख रखी है पूरी की पूरी, ये सारी चीजें मुझे अभी जाके लानी है वरना मम्मी हमारी वाट लगा देंगी। आप भी तो जाके ले आ सकती थी। हाँ ये भी बात है, अगर मम्मी जाएंगी तो भाई उठा के कौन लाएगा, उसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही ले आता हूँ। बाकी का अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम जो शाम के 5 बज रहे हैं,
एंड धूप ही धूप हो रहा है भाई, शाम के 5 बजे भी धूप हो रहा है। वैसे कल के दिन जो है अपने तरफ अपने एरिया में जो है कर्फ्यू लगा था, बोले तो लॉकडाउन लगा था, कल के दिन कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। सो कल का माहौल तो मैं देख नहीं पाया, बट आज का माहौल देखो भाई साहब, ये क्या माहौल है, कौन बोल रहा है भाई कोरोना चल रहा है। अपने एरिया में देखो भाई, सारे बंदे कोई कोई तो मास्क में भी नहीं है। ये देखो बंदे भाई तीन तीन चार चार एक बाइक पे बैठे पड़े हैं बिना मास्क के बिना हेलमेट के। वाह क्या चल रहा है, ये अपने बारे में तो सोच नहीं रहे, बाकी जो लोग बचना चाहते हैं जिन्होंने मास्क वगैरह लगा रखा उनके बारे में तो सोचना चाहिए, बट वो भी नहीं सोच रहे है भाई। बात कुछ ऐसी है ना, इस वाले कोरोना को लोग जो हल्के में ले रहे हैं, लोग जो अलग ही वे में ले जा रहे हैं कि ये बस साजिश है ऐसा वैसा कुछ नहीं है कोरोना वगैरह, बट उनको नहीं पता कि ये वाला कोरोना जो भाई सब और भी ज़्यादा जो है पावरफुल है। पिछले साल जो कोरोना था उसमें कम केसेज आ रहे थे, लेकिन इस साल वाले में जो अभी कोरोना बोले 2.0 आया है इसमें बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, ये उसका पापा जी है पहले वाले कोरोना का। एक मिनट यार मैं आगे चलते जा रहा हूँ, ये तो देख लूँ क्या क्या लेना है मुझे। सो सबसे पहले मुझे जो है ग्रोसरी के शॉप पे जाना है। सो यहाँ से हमें चीनी वगैरह और भी कुछ चीजें मम्मी ने लिखी है वो लेना है। सो फाइनली अपना जो मम्मी ने काम दिया था ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया है, बाकी सब्जी वगैरह का भी काम था बट वो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यार सब्जी वगैरह मुझे लेने नहीं आती, मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया मम्मी आके ले लेंगी। बाकी यार मेरा तो कुछ खाने पीने का मन कर रहा है बट नहीं खाएंगे नहीं, मन तो कर रहा है बट हम मन को रोकेंगे, खाएंगे नहीं कुछ भी। ऑलरेडी कोरोना वगैरह चल रहा है भाई, बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करो, अभी तो घर का खाना खाओ, घर में रहो, मस्त रहो भाई। हमारी इतनी अच्छी लाइफ है यार, इस लाइफ को हम क्यों बिगाड़े बाहर का खाना खा के। वैसे खा सकते हो, थोड़ा मोटा खा सकते हो, लेकिन यार अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो कोरोना टाइम में मत खाओ। मैं तो नहीं खा रहा यार, वैसे मैं खाता बहुत हूँ बाहर की चीज़ें बट अभी नहीं। पकड़ो जैकी, 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 क्या कर रहे हो? मैं तो आ गया भाई, नींद में आई है तो क्या कर रही है तू? झाड़ू। सो दीदी जो है यहाँ पे छत पे झाड़ू मार रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है यार छत। देखो इतनी सारी चीजें रखी बढ़िया ना हमारे छत पे भाई, किसी को भी चाहिए तो बता देना। क्या नहीं रखी यहाँ पे, ये वो लोहे वो है भाई साहब, जो अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उसके उसी में जो है ये सारी चीजें बच गई हैं, वो भी रखी पड़ी हैं। और बजा ले बेटे, और बजाएगा बजाएगा मारेगा वो तुझे बहुत। सो गाइस ये जैसी बजाता है ना वो आ जाता है इसके पीछे, और भाई बिस्किट खा रहा बता भी नहीं रहा है। भाई दे दे मुझे भी ले लू। अरे शर्माता कितना कैमरे से गधे, तो गधे मुझे गधे बोल रहा। जैकी बिस्किट खाओगे? खाओगे बिस्किट? नहीं 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 तुम्हें नहीं देना भाई बिस्किट, इसे अभी ये सारी चीजें मना की गई है। ओए तू कहाँ से बिस्किट ले आई भाई? यही वाली बिस्किट सेम रॉबिन ने ले रखी है। ओ मैं तो भूल ही गया, अभी मैं लेके आया हूँ ये सारी बिस्किट बहुत सारी। और भाई तुमने 2 पैकेट खत्म भी कर दिया तूने और रॉबिन ने। ये सारी बिस्किट मैं ही लेके आया और मुझे ही नहीं पता था ये बिस्किट आ कहाँ से रही है, मेरी बिस्किट खा के मुझे ही खिला रहे हैं ये। वाह भाई वाह, इक्वल इक्वल होना चाहिए हर चीज में। गेहूं के जब कटा उसके बाद बच्चे बैट बॉल खेलने लग जाते हैं, हर साल ही करते हैं। हाँ भाई ये तो सच्ची बात है, सामने की तरफ खेत है, इस खेत में जब भी गेहूं कटता है या फिर जब चावल कटते हैं, चावल ही कहते हैं ना उसको, धान, धान धान तो होता ही नहीं है इसमें, सब्जी होती है। हाँ जो भी सब्जी जब ये खाली रहता ना, तो ये देखो ये जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं सारे के सारे हमेशा खेलते हैं यहाँ पे क्रिकेट भाई। वैसे ग्राउंड तो बहुत तगड़ा है खेलने के लिए, और यहाँ से डर लग रहा है भाई। ओह 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 कितने बिस्किट बचे तेरे? कितने? दो। तो यार थोड़ा सा शाम का मौसम हो चुका है अब तो, हम लोग जब नीचे जा रहे हैं, लेके आ जाओ जैकी को साथ में, और उसको लेके बताना रॉबिन को यहीं बंद कर देना गेट, ठीक है। एंड मेरा खाना भी आ चुका है, जो कि आज है रोटी और आलू की भुजिया। तो आज जो एडिटिंग मैं नहीं करने वाला इस व्लॉग की, मम्मी जी करने वाली है। मैं एडिट कर दोगी आप वीडियो? हाँ, मैं कर रही। मम्मी जी को मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ कैसे वीडियो एडिट करते हैं। मम्मी आपको पता है कोरोना कितना ज्यादा चल रहा है? बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना। बट अपने मार्केट में जाके देखो भाई, मास्क लगा के कोई नहीं घूम रहा। और मैंने अभी बताया क्या देखा, अभी
एक बाइक पे चार चार बंदे बैठे, तीन बंदे बैठे पड़े थे और बिना मास्क बिना हेलमेट के। अच्छा, अपने मार्केट में पुलिस कहाँ था? पुलिस मार्केट में, पुलिस कहाँ रहती है? रोड पे रहती है ना। चलो पुलिस से तो बच जाओगे, लेकिन यार कोरोना से कैसे बचोगे? और पुलिस तो अब ये अपना ध्यान तो रखते ही रहे नहीं है, बाकी जो और लोग चल रहे हैं उनको भी भाई खतरे में डालते हैं ये। तो गाइस मैं यही कहूंगा कि भाई पिछला बार वाला कोरोना था वो थोड़ा सा इससे बहुत कम था, बट इस बार वाला जो कोरोना आया है ना फिर से, ये बहुत ज्यादा डेंजर है। तो मैं यही कहूंगा भाई मास्क का यूज करो, बाकी जितने भी रूल बनाए गए हैं वो सारे रूल को फॉलो करो एंड अपने पूरे सेफ्टी के साथ निकलो अगर कहीं जाना है तो। बाकी नहीं जाना कुछ काम नहीं है ऐसा, तो मैं तो कहूंगा घर से निकलो ही नहीं भाई। सही बात, अगर कोई जरूरी काम है तो निकलो, नहीं है तो भाई घर में बैठो, घर में बैठ के आप कुछ भी खेलो, पबजी खेलो, जो भी है, बट हाँ कोरोना से जरूर बचो। चलो गाइस आज के इस वाले ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हम मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह 8 बजे, जब तक के लिए बाय बाय।